राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान का जांजगीर चांपा जिला में बुरा हाल है। ये हम नहीं बल्कि सत्ताधीन पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने गांव सरहर की गौठान का वीडियो जारी कर गौठान में 20 मवेशियों की भूख से मौत होने का दावा किया है और गांव के सचिव के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए दोषी बताते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान का जांजगीर चांपा जिले में बुरा हाल है। ये हम नहीं बल्कि सत्तासीन पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने गांव सरहर के गौठान का वीडियो जारी कर गौठान में 20 मवेशियों की भूख से मौत होने का दावा किया है और गांव के सचिव के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए दोषी बताते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम सरहर के गौठान में मवेशियों का भूख से मौत होने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्रकार ने आरोप लगाया है कि आज देश भर में गोवर्धन पूजा के माध्यम से गाय की सेवा की जा रही है, लेकिन उनके निज गांव में संचालित गौठान में बड़ी लापरवाही सामने आई है और अब तक 20 मवेशियों की मौत हो गई है। इसके लिए गांव का गौठान समिति, ग्राम सचिव और बमनीडीह जनपद पंचायत के अधिकारियों को दोषी बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोप और वीडियो की जानकारी मिलने पर हमने जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम सरहर पहुंचकर सच्चाई जानने का प्रयास किया, जहां गौठान में गोवर्धन पूजा कर मवेशियों को भोजन कराया गया था और सरपंच प्रतिनिधि के साथ गौठान समिति के अध्यक्ष और कुछ ग्रामीण मिले। उन्होंने बताया कि गौठान में 130 के करीब आवारा मवेशियों को रखा गया है। उनके खाने पीने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है, गौठान भी पूरी नहीं बनी है, लेकिन मवेशियों की मौत को छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और उनके ऊपर लग रहे आरोपों को गलत बताया है। राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट का जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के गांव सरहर में जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई है और मवेशियों को भूख से मरने के लिए बंधक बनाकर रख दिया गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि कितने लापरवाह है और गौठान के नाम पर मवेशियों की मौत के सौदागर बन गए हैं। इतना ही नहीं, मामले को दबाने के लिए मृत मवेशियों को ठिकाने में लगाने से नहीं चूक रहे हैं। ग्राम सरहर का यह मामला आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्राप्त हुई है कि इस गांव में लगभग 20 मवेशी अब तक मर चुके हैं। आज सबसे यहां के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यह प्राप्त जानकारी हुई, यहां की लगातार गायों की मौत निश्चित तौर पे घोर लापरवाही सचिव नगर पंचायत सरहर के द्वारा और गोठान समिति के जो अध्यक्ष है, गोठान समिति के लोग हैं, वो घोर लापरवाही इस पर देखी जा रही है। वहां पर इस बात को लेकर मैं जनपद पंचायत के सीओ, जिला पंचायत के सीओ और संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करा चुका हूं और मुझे यह उम्मीद है कि इस प्रकार की जो घटना घटित हो रही है निश्चित तौर पे निंदनीय है। हमारी भूपेश सरकार लगातार यही बात बताते जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ माता की सेवा करना है, गौ गोठान के बारे में लगातार हम संकल्पबद्ध होके अच्छे से इस पायलट प्रोजेक्ट को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारियों का लापरवाही निश्चित तौर पे कोताही बरती जा रही है। इस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और जिन इस संबंधित विभाग के अधिकारी दोषी हैं उसको तत्काल निलंबित कर देनी चाहिए। ऐसी घटना यदि हमारे ग्राम सरहर में हो रही है तो यह निंदनीय है और मैं इस संदर्भ में बहुत जल्दी कलेक्टर महोदय जी से और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय जी से अवगत कराने की बात करूंगा और तत्काल इसको प्रकाश में इस घटना जो घटित हो रही है, यहाँ पर गौ माता की लगातार मौतें हो रही है, उस पर हम अच्छे से कोई ऐसा ठोस निर्णय लें जिसमें से जो गौ माँ की जो मौत हो रही है कम हो, बस यही बात रखेंगे। चार हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, ऐसा है कि देखिए आसपास होता है, लेकिन अब ऐसा आदमी कुछ भी बोल के मतलब अब गोठान में हुआ है कह के बोल देते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आदमी लोग ऐसा कुछ भी बोलने से क्या है, आजकल देखिए मैं बता रहा मीडिया इतना ये है कि कुछ भी बोलो मतलब छपना ही है। आजे के दिन बोला गया है और कुछ खास आदमी द्वारा बोला गया है, तो कुछ कारण है विशेष की? अब मैं इसके बारे में नहीं जानता, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, आप लोगों को ज्यादा आइडिया है, मेरे को अभी उतना ही नहीं पता चला। नहीं, मौत हुई है कि नहीं? आज नहीं हुई है।
तो कब हुई थी? यहाँ तो हुआ ही नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ। आसपास में है? आसपास में ऐसा बाहर हुआ तो रहा है, लेकिन अभी नाम यहाँ कहा जा रहा है, गोठान में हो रहा है कह के। गोठान में देखिए मैं बताऊँ, चारा की कमी है, चारा की कमी से मर गया है। नहीं, चारा की कमी नहीं है, चारा के मतलब जितना भी हम लोग से व्यवस्था हो रहा है कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं वाली बात नहीं है भैया, हम लोग भी ऐसा है कि किसान है, हाँ तो हम लोग से जितना हम लोग जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। यहाँ मौत नहीं हुई है। फिर जो मवेशी दिख रहे हो कहाँ के मरे हुए? यहाँ नहीं मरी है। तो कहाँ मरे? आस पास में होगा, यहाँ नहीं की है। लोकल आसपास में नहीं है, इधर फेंसिंग के आसपास में पड़ा हुआ दिखा रहे हैं। नहीं दे, यहाँ नहीं है। चारा की व्यवस्था कैसे करते हैं अभी तो? यहाँ चारा भी नहीं, चारा की व्यवस्था कर रहे हैं और अभी तो बहुत धान कटाई होने के बाद ही मतलब चारा की व्यवस्था हो पाएगी। पहले अभी क्या करते हैं? अभी अभी लाए थे क्या धान? पैरा पैरा लाए थे, पैरा खरीद करके ला रहे हैं। कहाँ रखते हैं? यहीं पर रखते हैं, लेकिन सब खत्म हो गया है। पूरा ये करके साफ कर देते हैं उन लोग तो। बहुत सारे मवेशी थे उस समय, तो 150 थे, बाकी को हम लोग तो ऐसे छोड़ दिए थे। तो यहाँ मौत की बात आ रही मवेशियों की, तो क्या कारण? एक गलत रिकॉर्ड है। क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है? अब पता नहीं सर, इसके बारे में मेरी जानकारी है। हो रहा है पता है कि नहीं आपको? सुनाई पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।